एक टेक्नोलॉजी की वेव आ रही है हमारे ऊपर, और अगर हम उसको समझ पाएं तो बहुत बड़ी वेव हमारे पीछे रहेगी, हम आगे चल सकते हैं, और अगर हम नहीं समझे तो हम इसके नीचे दब जाएंगे और कुचल जाएंगे। के जो एस्पायरिंग यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो पढ़ाई पूरी करके जॉब मार्केट में आएंगे या अपना काम शुरू करना चाहेंगे, ऐसे बहुत सारे लोग आपसे मिलते हैं, आप बहुत जगह तकरीरें भी करते हैं, तो इस वक्त आपकी उनको सलाह क्या है, हाउ टू स्पॉट एन अपॉर्चुनिटी? सो एक तो इस किताब के अंदर भी मैंने कुछ लिखा है इसके बारे में कि लाइफ के अंदर अगर आप अपना नजरिया ऐसा रखें कि योर आईज ईयर्स एंड माइंड आर ओपन, अगर आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, तो आपको दुनिया में कई तरह की अपॉर्चुनिटी मिलेंगी जो आम तौर पे हर आदमी उनको देखता नहीं है। हर समय हम ढूंढ भी नहीं रहे, लेकिन अगर माइंड ओपन हो तो नजर आता है, और 3 तरह के अपॉर्चुनिटीज इस समय है। एक, हमारी जो इकोनॉमी है कई मुल्कों से 5-10-15 साल पीछे चल रही है, कि उन्होंने पहले हमारे से 10 साल पहले क्या किया। एक तो वो हम चीज देख सकते हैं बाहर से, वी कैन लर्न, और हमारे को पूरा रास्ता निकालने की जरूरत नहीं है, वी कैन जंप 1 or 2 स्टेजेस और सीधा वहां जा सकते हैं जहां वो आज है, क्योंकि हमें कंपीट आज करना है और सबसे करना है। दूसरा है कि जो हम काम एग्जिस्टिंग कर रहे हैं उसके अंदर बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट टेक्नोलॉजी के साथ कैसे ला सकते हैं, एक वो अपॉर्चुनिटी है। और तीसरा है जो बिल्कुल नई अपॉर्चुनिटी आ रही है जो कि अभी एग्जिस्ट नहीं करती थी, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, ये ऑल परवेसिव बन गई हैं, कि एजुकेशन में भी अप्लाई होती हैं, हेल्थ केयर में भी अप्लाई होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग में अप्लाई होती हैं, सर्विसेज में अप्लाई होती हैं, पेमेंट के अंदर अप्लाई होती हैं, इंश्योरेंस वाले यूज कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक टेक्नोलॉजी की वेव आ रही है हमारे ऊपर, और अगर हम उसको समझ पाएं तो बहुत बड़ी वेव हमारे पीछे रहेगी, हम आगे चल सकते हैं, और अगर हम नहीं समझे तो हम इसके नीचे दब जाएंगे और कुचल जाएंगे। जो आपका सवाल था कि जो यंग लोग हैं उनके लिए ऐसी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है जो आज से पहले किसी पीढ़ी में, भारतवर्ष में किसी पीढ़ी को नहीं मिली, क्योंकि एंटायर वर्ल्ड इज ओपन, एंटायर वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर टुडे, और आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। टेक्नोलॉजी में तो कोई पॉलिटिकल बॉर्डर है नहीं, आप यहां बैठे काम अमेरिका में भी कर रहे हैं, यूरोप में भी कर रहे हैं, अफ्रीका में भी कर रहे हैं, और आप उन कंट्रीज में भी काम कर सकते हैं जहां इकोनॉमीज हमारे जैसी हैं, जैसी हमारी इकोनॉमी 10 साल पहले थी या जो हमारे से आगे हैं, उन सब के अंदर अपॉर्चुनिटीज हैं और आप सबका फायदा उठा सकते हो। इन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाने के लिए जो एक इनेबलिंग माहौल चाहिए, वो अभी भारत में आपको कितना लगता है, या वो क्या चीजें हैं जो आप फ्लैग करना चाहेंगे कि वहां काम करने की जरूरत है पॉलिसी मेकर्स को? पिछले 30 वर्षों में भारतवर्ष में बहुत काम हुआ है इंप्रूवमेंट का ऑन वर्क एनवायरनमेंट, लेकिन अभी भी कई सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं जो हमें रोकती हैं। हमें ये चाहिए कि जो हमारा पॉलिसी फ्रेमवर्क है, और टू बी फेयर सरकार उसमें काम बहुत कर रही है, लेकिन अभी काम करने वाला है, कंप्लीट नहीं है। पॉलिसी फ्रेमवर्क हमारा सिंपल होना चाहिए जो कि हर आदमी, हर काम करने वाला उसको समझ पाए और अपने काम के ऊपर फोकस करे, न कि सिर्फ हमारे को कंप्लायंस के ऊपर ही सारा जोर लग जाए, क्योंकि बड़ी कंपनियों में तो हम बहुत सारे लोग मैनेजर रख लेते हैं जो कंप्लायंस देखते हैं, लेकिन छोटी कंपनी में जो एंटरप्रेन्योर है वो एंटरप्रेन्योर ही सब कुछ करता है, शी और ही आर बर्डन्ड अगर उनको सारा कंप्लायंस के ऊपर समय लग जाए तो काम के ऊपर वो समय नहीं लगा सकते, जो उनके दिमाग में आइडियाज हैं, जो प्लान्स हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जरूरी है कि उनके लिए फंडिंग अवेलेबल करना, उनके लिए टैक्स कंप्लायंस बनाना, उनके लिए रेगुलेटरी कंप्लायंस का ऐसा माहौल बने ताकि वो अपने काम के ऊपर फोकस करें, और इन चीजों को 3-4-5 साल के बाद जाकर वो उनको समझने की जरूरत होनी चाहिए। हमारे इन्वेस्टमेंट ऑफिस, हमारा जो फैमिली ऑफिस है उसको हम इन्वेस्टमेंट ऑफिस बुलाते हैं, उसमें हम कॉन्स्टेंटली ढूंढते हैं किस तरह के एंटरप्रेन्योर्स हैं, किस तरह के फाउंडर्स हैं जिनके पास आइडिया भी अच्छा है, पैशन भी है
और कोई उनमें उनके मन में कोई ऐसी चीज है जो प्रोडक्ट और सर्विस जो कि एक फेल्ट नीड को मीट कर सकती है, उनको हम सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट भी करते हैं, आइडियाज के साथ सपोर्ट भी करते हैं, नोहाव के साथ सपोर्ट करते हैं और अपने कनेक्शन के साथ भी सपोर्ट करते हैं। तो हमने कई सारे किए, नायका आपने जैसे कहा एक कंपनी है और बहुत अच्छी प्रोग्रेस की नायका ने, बहुत बहुत सारे इस तरह के स्टार्टअप्स इस समय नजर आते हैं। तो हमारी ये सबको गाइडेंस एडवाइस यही रहती है कि आप डिसरप्शन कीजिए पुराने काम में। जैसे आपने कहा हमारी जो कंपनियां थी जो पुरानी इंडस्ट्री से आई हैं उनके काम अगर ये खुद चेंज नहीं करेंगे तो नई कंपनी आके डिसरप्ट कर देंगी। टेक्नोलॉजी इतनी स्पीड से बदल रही है, इतनी स्पीड से बढ़ रही है कि उसको अडॉप्ट करना इस समय जरूरी है। और ये भी जरूरी है कि हम ना केवल नए तरीके से चीजें करें लेकिन हम नई चीजें भी करें, दोनों चीज जरूरी है। और स्टार्टअप्स ने ये स्पिरिट हिंदुस्तान के अंदर, भारतवर्ष में के अंदर हमारे को ला करके दिखाई। पहले ये केवल नजर आता था कैलिफोर्निया में, इसराइल में, कैम्ब्रिज में और ऐसे कुछ दुनिया में सेंटर बन गए थे। इस समय भारतवर्ष दुनिया का सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप सेंटर है। सरकार में भी रिकग्निशन है और लोगों में भी रिकग्निशन है कि अगर हमने भारतवर्ष में जॉब्स क्रिएट करने हैं, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और प्रोग्रेस करनी है तो हमें नई इकोनॉमी और नए तरह के स्टार्टअप्स लाने ही पड़ेंगे, क्योंकि पुरानी एस्टैब्लिश्ड कंपनियों में जॉब क्रिएशन बहुत कम होती है। बल्कि उनकी कोशिश ये होती है कि हम ऑटोमेशन कैसे करें, एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएं, जिसमें आमतौर पर जॉब्स कम हो जाते हैं। मुझे लगता है दो कारण है। एक कारण यह है कि हम अपने प्रोग्रेस में कंफर्टेबल हो गए थे, क्योंकि अगर आप सोचिए तो पिछले 30 सालों में बहुत प्रोग्रेस हुई यहां पर और जो ग्रोथ हुई उसके साथ लोग इतना कंफर्टेबल हो गए थे कि जरूरत नहीं फील करते थे कि हमें कुछ और करने की जरूरत भी है। तो एक तो ये कारण था। दूसरा है कि हमारे यहाँ रिस्क अवर्जन बहुत है। अगर कोई फेल हो जाए, कोई इंडिविजुअल, कोई कंपनी, कोई कॉरपोरेशन, कोई इंस्टीट्यूशन, तो उनके ऊपर जिंदगी भर के लिए ब्लैक मार्क लग जाता है। अगर आपने स्टार्टअप कल्चर प्रमोट करना है, एनकरेज करना है, तो न केवल हमें फेलियर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमें फेलियर को एम्ब्रेस करके सेलिब्रेट भी करना पड़ेगा। अगर आप कैलिफोर्निया में फॉर एग्जाम्पल अगर आप दो बारी फेल हो चुके हैं तो लोग कहते हैं बहुत एक्सपीरियंस्ड प्रमोटर है, इसको जरूर फंडिंग कीजिए।